So students, this is lecture 4, limit of a function. लास्ट क्लास में क्लास के बीच में ही कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो कुछ थ्योरम कर पाए थे हम, सारे नहीं कर पाए थे ना। चैप्टर 4 ऑफ बार्टल शर्बर्ट, तो हम नेक्स्ट थ्योरम जो स्टार्ट करने वाले थे दैट इज मॉडुलस थ्योरम। मॉडुलस थ्योरम स्टार्ट करने वाले थे। क्या कहती है मॉडुलस थ्योरम स्टूडेंट्स? इफ लिमिट x अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स इज एल, देन लिमिट x approach mod f of x is mod l, ये मॉडुलस थ्योरम है। इसके साथ स्टूडेंट्स वो एग्जाम्पल भी मांग सकता है एग्जामिनर आपसे कि गिव वन एग्जाम्पल दैट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो बड़ा फेमस सी थ्योरम है, आती है पेपर में, वन स्टार दे रहा हूँ मैं इसको। प्रूफ हमें क्या शो करना है, हमें जो शो करना है लिखो यहाँ पर। वी हैव टू शो that limit x approaches to c mod f of x is equal to mod l, let epsilon positive be given। और जो शो करना है उसकी डेफिनेशन लिख दी। क्या शो करना है हमें? कि कम से कम एक डेल्टा ऐसा जरूर चाहिए कि mod x minus c less than delta implies mod f of minus mod l is less than epsilon। ये शो करना, मैंने आपको बता ही रखा है स्टूडेंट्स कि जो भी हमें चीज़ शो करनी पड़ेगी उसी को कंसिडर करके चलूँगा। तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ यहाँ पर जो शो करना है, ये शो करना of x minus। अब क्योंकि आपको तो पता है कि x अगर c को अप्रोच कर रहा है एट c, f of x के लिमिट l है, तो इसका मतलब f माइनस l का एक्सप्रेशन आपको चाहिए था, आ जाएगा। तो बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस इनइक्वालिटी स्टूडेंट्स, आपने सुना ही होगा कि मॉड ऑफ मॉड a माइनस मॉड b इज ऑलवेज लेस देन a माइनस using triangle inequality। ये बात सुने नहीं है तो लगा दो भाई यहाँ पर। तो यहाँ से आ गया f of x minus, okay this is equation 1। और हमें पता है we are already given, हमें क्या given है बेटा कि अगर x approaches to c तो function की limit क्या है आपकी l है, if and only if, और इसकी जगह epsilon चाहिए तो epsilon ही रखते हैं, कुछ और रखने की जरूरत नहीं है। so there exists delta positive such that mod f of x minus l is less than epsilon for all x belongs to neighborhood of c। Agya, therefore equation 1 gives, so equation 1 kya kehti hai students, the mod of mod f of x minus mod l is equal to mod fx minus l and which is less than what epsilon for all x belongs to it। तो यही तो शो करना था बेटा कि हाँ ये एक्सप्रेशन हमारा जो आ गया वो लेस देन epsilon आ गया बेटा। mod of mod fx minus mod l से छोटा आ गया epsilon से, for all x belongs to the neighborhood of c। done, we're done। तो ये हो गया भाई हमारा, ये थ्योरम प्रूव हो गई हमारे, करेक्ट है, आपको भी समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पर इस इनइक्वालिटी का यूज़ किया। हाँ जी, तो देखो कितनी आसान थ्योरम्स हैं जो आप इजीली प्रूव कर सकते हैं और आपको तरीका भी पता चल गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है यहाँ पर,
इसी सेक्शन के अंदर क्वीज थ्योरम, दिस इज 3 स्टार, क्योंकि इस पे एग्जामिनर क्वेश्चन भी पूछेगा आपसे। क्वीज प्रिंसिपल भी बोलते हैं कुछ कुछ लोग इसको, या सैंडविच थ्योरम भी बोलते हैं। कौन सी थ्योरम बेटा? सैंडविच थ्योरम। काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम है इस, पहला सेक्शन है ये, चैप्टर 4 आपके एग्जाम में आएगा। इसमें से एक क्वेश्चन क्वीज थ्योरम पे ज़रूर आएगा, आएगा ही आएगा एग्जाम के अंदर। हाँ जी, 100% आता है हमेशा से ही। तो स्टेटमेंट क्या है थ्योरम की? कहता है अगर इफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, एफ ऑफ एक्स की लिमिट एल है, एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी जी ऑफ एक्स की भी एल है, तो ओहो मेरे ख्याल में स्टेटमेंट को और बेहतर लिखा जाएगा। इस पर भी आते हैं, पहले कुछ दिया हुआ है उस पर ध्यान देते हैं। हाँ, 3 साल से ना मैथ्स ऑनर्स के बच्चे पढ़ा ही नहीं है, थोड़ा सा ऐसे ही बस चल रहा है। एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एच ऑफ एक्स इज लेस देन जी ऑफ एक्स ऑल एक्स बिलोंग द सेट ए, वट एवर द सेट यू वांट। तो कहता है इफ, अब ठीक है ये ऑर्डर दिया हुआ है, कहता है लिमिट, इसकी फोटो भी बना के दिखाता हूं कि एफ ऑफ एक्स की लिमिट एल है एंड जी ऑफ एक्स की लिमिट भी एल है अगर एक्स सी को अप्रोच कर, तो ये शो करके बताओ जो बीच में है एच ऑफ एक्स उसकी लिमिट भी एल होगी। लिमिट भी क्या होगी? एल ही होगी। पहले फोटो से देखो थोड़ा सा, एक्स बना देंगे फंक्शन बना। तो लेट मी गिव कलर्स टू दीज, लेट दिस बी एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स को ब्लू कलर से लिख देता हूँ, है ना, एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स होगा। ओके जी, येलो से दे देता हूँ मैं जी ऑफ एक्स को, आप जी ऑफ एक्स आपका येलो, तो ये जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स इन दोनों के बीच में है, लेट एच ऑफ एक्स बी रेड, दिस इज एच ऑफ, अब ध्यान से देखिए वाइट कलर से, ये सी है, यहाँ ये एल आ रहा है राइट, इंटरवल बना लेंगे यहीं पे, एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन, और यहाँ पर c माइनस डेल्टा c प्लस डेल्टा। तो अगर x इसमें होगा तो f ऑफ x या h ऑफ x इसमें होना चाहिए, तो वो तो आपको देखना पड़ेगा। ये फोटो है, f ऑफ x, h ऑफ x, g ऑफ x। अच्छा, यहाँ मैंने g ऑफ x सबसे बड़ा दिया, सॉरी सबसे बड़ा फंक्शन लिया है तो उल्टा कर देते, तो इसमें कहाँ सोचना, इसको g ऑफ x कर देते हैं, ये जी ऑफ एक्स हो, ये एफ ऑफ, ऑर्डर भी इस हिसाब से मेंटेन कर लेते हैं राइट। तो ये इस तरह से कह रहा है, अगर हाँ जी की लिमिट भी एल है, एफ की भी एल है, तो एच की भी क्या होगी? एल ही होगी अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। पर यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बात है मुझे आपको बताने के लिए, अदर देन दिस फोटो, इस फोटो से ज़्यादा जरूरी क्या है बताना वो देखो पहले। ये फोटो तो ठीक है, समझ में आ गया, दो फंक्शन है यार, वो आगे वो बड़े वाला फंक्शन भी एल पे जा रहा है, छोटा भी एल पे, तो बीच वाला भी एल पे जाएगा, वो मैंने दिखा दिया। इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम इस डेफिनेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स इज एल इफ एंड ओनली इफ फॉर ईच एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट एफ ऑफ एक्स इज बिटवीन एल माइनस एप्सिलॉन एंड एल प्लस एप्सिलॉन
फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू नेबरहुड ऑफ, दिस इज वन एंड द सेम थिंग. इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है बेटा. तुम यहां पर मैं इस वाले स्टेटमेंट का इस्तेमाल ज्यादा करूंगा क्योंकि मुझे दिखाना है उसको भी. तो प्लीज ये थोड़ा सा नोट है यहां पर कि मैं क्या यूज करने जा रहा हूं, उसका ध्यान रखिएगा. और जो भी बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं वो कमेंट अगर नहीं कर रहे हैं तो मज़ा नहीं आता. देखो हाँ, एक तो पहले ही बच्चे दो चार पांच ही आते हैं, मज़ा आता नहीं काम पढ़ाने में भी बिल्कुल. तो जबकि फ्री पढ़ा रहे हैं यार, फ्री में ही बच्चा नहीं आ रहा, मतलब सोचो इतना बेकार पढ़ा रहे हैं तो हमारा इंटरेस्ट लूज हो जाता है. ये तो काम की चीज़ नहीं पढ़ा रहे आपके, और आप कमेंट भी नहीं कर रहे. तो भाई मेरे से तो मेरे से इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कंटिन्यू. तो हाँ, आप लोग अगर अटेंड कर रहे हैं तो प्लीज़ सब लोग यस नो, कुछ चार पांच बच्चे जो भी कर रहे हैं वो कमेंट ज़रूर करें प्लीज. इसके थ्योरम के प्रूफ नहीं आएगा इसका, इस पर क्वेश्चन आएगा हाँ, पर लेकिन फिर भी प्रूफ पता होना चाहिए. अगर लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा है, सीक्वेंसेस में था आपके पास ये प्रूफ, अब यही लिमिट्स में है, यही कॉन्टिन्यूटी में भी आएगा. चलिए जी, प्रूफ देखिए आपको क्या शो करना है. आपको शो करना है लिम में x approaches h of x is let epsilon positive so to show there exists delta positive such that h of x l minus epsilon and l epsilon for all x belongs to राइट ये शो करना है. तो जो शो करना है उसको कंसिडर करने से यहाँ बात नहीं बनेगी. कैसे करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ. हमें क्या पता है, हमें पता है एफ ऑफ एक्स की लिमिट एल है, उसकी डेफिनेशन लिखो. वी आर गिवन व्हाट, तो जो भी आपको गिवन है उसकी डेफिनेशन लिखते जाओ, आपका आंसर अपने आप चल के आए. वी आर गिवन व्हाट की लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ इज इक्वल if and only if for each epsilon there exists delta 1 positive such that the f of x is lies between l minus epsilon and l plus neighborhood of c right. ऐसे ही अपने को पता है बच्चों, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी जी ऑफ एक्स इज सेम, इसी तरीके से इफ एंड ओनली फॉर ईच एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट डेल्टा टू ले लेते हैं इस बार, सच दैट जी ऑफ एक्स जो है वो किसके बीच में है भाई, एल माइनस एप्सिलॉन और ऑल एक्स बिलोंग्स टू नेबरहुड ऑफ सी, वी डेल्टा टू सी आ जाएगा. आगे दोनों स्टेटमेंट यहां तक आपकी है ना. अब आपने पता है ये बात तो कि एफ ऑफ एक्स जो है, लेट डेल्टा एक ऐसा इंटरवल बनाओ जो बाकी इंटरवल्स में कॉमन हो. तो आपको रेडियस को कैसा चूज करना होगा, मिनिमम. लेट डेल्टा बी मिनिमम ऑफ डेल्टा वन एंड डेल्टा, तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स किससे छोटा है, एच ऑफ एक्स वो किससे छोटा है, जी ऑफ एक्स है ना, और ये किससे छोटा है, एल प्लस एप्सिलॉन से, ये किससे बड़ा है, एल माइनस एप्सिलॉन से. और ये बात सच है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू नेबरहुड ऑफ सी, वी डेल्टा सी. देयरफॉर कैन वी राइट हियर कि एच ऑफ एक्स जो है बड़ा एल माइनस एप्सिलॉन. यही बात प्रूव करनी थी ना बच्चों अपने को, देखो कर देना प्रूफ. देयरफॉर मॉड h of x minus l is an epsilon, therefore limit x tends to c h of x and we are done. तो कहना है अगर आगे वाला फंक्शन भी l पे जा रहा है, पीछे वाला भी l पे, तो बीच वाला फंक्शन भी कहाँ जाएगा बच्चों, l पे जाएगा. हाँ जी, तो बीच वाला फंक्शन भी आपका l पे ही जाएगा. तो ये था सैंडविच थ्योरम का प्रूफ, मैंने कराया. इस पर क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रूफ से ज़्यादा, पर फिलहाल आज प्रूफ ही कर रहे हैं हम लोग अभी तो, है ना.
तो ऑलमोस्ट वी आर अबाउट टू, आज हम कंप्लीट कर देंगे अपना 4.1 4.2 की थ्योरी, फिर क्वेश्चन से करने रह जाएंगे हमारे बहुत सारे। हाँ चलो अब आपको थोड़ा सा ज्ञान दे दे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट वर्ड यूज होगा यहाँ पर आपके लिए, इसका मतलब क्या होगा कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू सी फ्रॉम द लेफ्ट, एक्स टेंड्स टू सी फ्रॉम द लेफ्ट, और यू कैन से लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ, इसको ऐसे भी बोल सकते हो आप, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एट सी, और इसको ऐसे भी बोल सकते हो आप एफ ऑफ सी माइनस, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस एफ ऑफ। तो ऐसे ही राइट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखा जाएगा आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, राइट हैंड लिमिट के लिए नोटेशन क्या हो जाएगी फिर, एफ ऑफ सी प्लस और लिमिट एक्स अप्रोचेस, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ राइट हैंड लिमिट एंड द लेफ्ट हैंड। जब भी बोलेंगे इस तरह से लिख सकते हैं हम राइट। तो एक थ्योरम है टू स्टार थ्योरम, देखो मैंने आपको वन स्टार थ्योरम, थ्री स्टार थ्योरम और अब टू स्टार थ्योरम आ रही है। तो जो मैथमेटिक्स ऑनर्स के बच्चे हैं वन स्टार्स पे खास तौर पे ध्यान दें कि पूछे जाते हैं ये। तो अब हम कर रहे हैं थ्योरम विच इज टू स्टार। ये थ्योरम क्या कहती है, अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, अगर वो लिमिट एग्जिस्ट करती है एंड विच इज इक्वल टू एल, इफ एंड ओनली इफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी माइनस एफ ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट एट सी और एक्स अप्रोचेस टू प्लस एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो इक्वल, समझ में आया, एक लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट, और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ये कहने का मतलब है सिंपल से कि कोई भी लिमिट आपकी कब एग्जिस्ट करती है ये बात उसको कह रहा है भाई, तब आपकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी वरना एग्जिस्ट। तो इसका भी प्रूफ है, आया हुआ एग्जाम में 5 नंबर में आएगा आपको प्रूफ, ये पूछेगा ही पूछेगा आपसे। हाँ जी तो जी शुरू करते हैं पहला लेट। अब क्योंकि इफ एंड ओनली इफ तो डायरेक्ट पार्ट और कन्वर्स पार्ट दोनों करने पड़ेंगे, दोनों ही करते, एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है और वो एल है, तो डेफिनेशन क्या है, इफ एंड ओनली इफ फॉर ईच एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ रेडियस डेल्टा राइट सच दैट, हमने ये डेफिनेशन पढ़ी हुई है, एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा जो कि जीरो से बड़ा है, इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन अपसाइड। ओके तो कैन आई राइट दिस स्टेटमेंट एज एक्स इज बिटवीन सी माइनस डेल्टा एंड सी प्लस, तो मीन्स एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन अपसाइड करेक्ट, तो देयरफॉर ऑब्वियसली जब इस ये बात सच है, ऑब्वियसली अगर x आपका c माइनस डेल्टा से c में है तब भी तो ये बात सच होगी बेटा, और अगर आपका x c से c प्लस डेल्टा में है तो भी तो बात सच होगी बेटा, ये क्यों, जब पूरे इंटरवल में सच है तो तब भी तो सच होगी। तो इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिटेड c है, एक्स अप्रोच एफ ऑल्सो है इट एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इज
तो देखो हमें ये पता था, ये प्रूव कर दिए, अब इसका कन्वर्स प्रूव करना है। बहुत इजी है, आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरी वन और नॉट? हाँ ना का जवाब देने की तो रखी होगी बच्चों। और भाई जब इस इंटरवल में बात सच है तो इसमें भी सच होगी, इसमें भी सच होगी। अगर ऊपर वाले में सच है तो लेफ्ट हैंड लिमिट है, नीचे वाले में सच है तो राइट हैंड लिमिट है, और वो बराबर आ गया। ठीक है, तो अब रह गए हैं 3 बच्चे। अरे भाई अगर आप लोग लाइव नहीं आओगे मैं बंद कर दूंगा सेशंस। मैं भाई मैं बायजूस अनअकैडमी कहीं भी पढ़ाया है, बच्चा लाइव नहीं आता तो मैं नहीं क्लास लेता भाई, मेरे से नहीं हो पाता। आप लोग इंटरेक्ट करो, कमेंट करो, बात करो। हाँ अगर पढ़ना है तो आपको पढ़ा रहा हूँ मैं तो आपको, ये मेरे को कंटेंट नहीं डालना, आपके लिए किया था मैंने ये। 10 बच्चे तो मैं वैसे ही इकट्ठे कर लेता। चलो जी ठीक, कन्वर्स। अब इस स्टेटमेंट का मैं पढ़ने जा रहा हूँ कन्वर्स। कन्वर्सली सपोज, अब उल्टा है भाई, सपोज लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एट सी की लिमिट हम इज सेम एज राइट हैंड लिमिट, तो दोनों डेफिनेशन में लिख देता हूँ राइट। और हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है एक्स अप्रोच एफ ऑफ एक्स एल इफ एंड ओनली फॉर ईच एप्सिलॉन पॉजिटिव। मतलब ये शो करना है यार, इसके डेफिनेशन क्या लिखूं, प्रूव करना शुरू कर दूं सीधा, डेफिनेशन लिखूं पहले की तरह हर बार वही, लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव बी गिवन। तो टू शो कम से कम एक रेडियस तो ऐसा निकालो सच दैट द इंटरवल विच इंटरवल एक्स इज बिटवीन वेयर सी माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा एफ ऑफ एक्स, यू हैव टू शो दिस। अरे यही शो करना है ना बच्चों, तो आ जाओ धड़ाधड़ करते हैं, बहुत इजी है। आप इसकी डेफिनेशन लिखो पहले वाले की वाइट से, हो गया प्रूफ। अगर मैं लिखूंगा लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स इज एल इफ एंड ओनली इफ फॉर ईच एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट डेल्टा सच दैट एक्स इज बिटवीन सी माइनस डेल्टा एंड फिर आप इस वाले को लिखोगे सी प्लस है क्योंकि इसके डेफिनेट लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस, या फिर आप डेल्टा वन डेल्टा टू भी ले सकते हो बच्चों, कोई घबराने वाली बात नहीं है, जैसा पहले ले रहे थे एल इफ एंड ओनली इफ सेम डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट डेल्टा टू पॉजिटिव सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन सी बट लेस देन सी डेल्टा टू विच एम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। ओके अब लेट डेल्टा बी मिनिमम, वो तो आपको कहानी पता ही है बेटा, रेडियस कैसा है आपका यहाँ पर मिनिमम है फॉर डेल्टा वन एंड डेल्टा टू, तो देयर फॉर एक्स इज बिटवीन सी माइनस डेल्टा एंड सी प्लस डेल्टा दिस इम्प्लाई एफ ऑफ एक्स माइनस एफ देयर फॉर मॉड एक्स माइनस डेल्टा mod f of x minus limit as x approaches to the f of x is thank you very much. So left hand limit is equal to limit. हाँ जी अब इस पे है क्वेश्चन, क्वेश्चन मैंने आपको बोला कि मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। हाँ जी नेक्स्ट क्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन द नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू कंप्लीट 4.1 एक्सरसाइज एंड 4.2 एक्सरसाइज, मैं पूरी कंप्लीट कराऊंगा। तो टुडे आई हैव टेकन एन एजेंडा ऑफ कंप्लीटिंग द थ्योरम्स। तो भाई 3 बंदे लाइव हैं, तो 3 बच्चे लाइव हैं बच्चों,
तो तीन बच्चे लाइव हैं, तो वो प्लीज़ हाय हेलो लिख दीजिए अगर हैं तो। अर्पित पांडे ने तो गुड इवनिंग सर लिख दिया है, और कौन कौन लाइव है, ताकि क्योंकि मैं एक बहुत फाइव स्टार थ्योरम कराने जा रहा हूँ आपको। अगर तीनों बच्चे लाइव हैं और सीरियसली पढ़ रहे हैं तो फाइव स्टार थ्योरम करा रहा हूँ कि अगर कोई थ्योरम 4.1 और 4.2 एक्सरसाइज में से आएगी तो वो ये आएगी पेपर में। दिस इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। तो बताओ भाई, कोई लाइव है क्या? नहीं है तो बस अर्पित पांडे ही है। ठीक है, तो कुछ नहीं कर सकते बच्चों, फिर तो हम ऐसे नहीं, मज़ा आता पढ़ाने का, मज़ा आता आप कमेंट करें, पूछें, इंटरेक्शन हो थोड़ा सा हमारा, तब तो मज़ा आता। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है सीक्वेंस अगर, ये तो बहुत फिर बड़ी बात। चलिए जी, फिर जाओ इसको अभी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम थी। जो भी मैं थ्योरम यहाँ पर करा रहा हूँ वो सारी सारी थ्योरम नेक्स्ट चैप्टर क्वांटिटी में भी आएंगी। चलो तो फिर एक आसान थ्योरम कराता हूँ। इफ लिमिट एक्स अप्रोचेस एफ ऑफ एक्स इज जीरो एंड जी ऑफ एक्स इज बाउंडेड, देन लिमिट एक्स अप्रोचेस एफ ऑफ एक्स इंटू जी इज ऑल्सो। ये थ्योरम करके प्रूव करके दिखानी है आपको, ये होमवर्क है आप, दिस इज गृह कार्य है। तो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा आप, ठीक है बच्चे।